Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. कसूर मायूस करने वाले का नहीं होता रुमैला, उम्मीद लगाने वाले का होता है। खुशियों का आगाज हुआ ही था कि अंजाम सामने आ गया। एक तरफ नया रिश्ता, एक तरफ पुरानी मोहब्बत। से भी तसल्ली नहीं आपकी भाभी। रुमैला मेरी बीवी है, तानिया मेरी बेटी है। किसी को जान मिल गई, फरहाद, किसी की जान निकल गई। मेरे शोहर से छुप छुप के मिलना छोड़ दीजिए।
जब दूर दूर तक सब कुछ साफ साफ देखने को जी चाह रहा हो तो मैं भी यहीं आ जाती हूँ। जानती हूँ आंटी, मगर मुझे ना तो दूर दूर तक दिखाई दे रहा है और ना ही साफ साफ। यही तो परेशानी है, किसने कुछ नहीं कहा मगर उसकी आंखें हर वक्त कुछ ना कुछ कहती रहती हैं। तो देर क्यों करती? तानिया को लो और आ जाओ मेरे पास। तुम्हारे पास हर मसले का एक ही हल है, जाग। मगर जल्दी भी कुछ वक्त तो लेती है ना तैमूर। कोई तो वजह होती है कि कोहर सिर्फ सर्दियों में होती है। हमारे दरमियान छाई है धुंध। मेरे कुछ कहने या मुझे कुछ सुनने की जरूरत हो या ना हो, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है रुमैला। मगर मैं आपको अंधेरे में मेरी रोशनी में आने का फायदा सिर्फ उस वक्त है जब मेरी आंखें खुली हों। मेरी आंखें तुम्हारी मोहब्बत में बंद हैं। मगर मैं आपको तकलीफ में नहीं देख सकती। मैं और तुम दो हैं क्या? सब ठीक तो है ना? सब कुछ परफेक्ट है, बल्कि इतना परफेक्ट कि इससे पहले ना कभी होगा और ना हो सकता है। I'm sorry, मैंने ये सब करने में देर कर दी। क्या बात है तैमूर, सब ठीक तो है ना? सब कुछ परफेक्ट है, बल्कि इतना परफेक्ट कि इससे पहले ना कभी होगा और ना हो सकता है। I'm sorry, मैंने ये सब करने में देर कर दी। किस चीज में देर कर दी तैमूर? मेरा बैंक बैलेंस, मेरी कार, इवन के मेरा ये घर, सब कुछ मैंने तुम्हारे नाम ट्रांसफर कर दिया। अब तो हमें एक होने में कोई रुकावट नहीं। Oh,
दामाद को ये इत्मीनान देना चाह रहे हैं कि अगर इस कुरुमेला से कोई शिकायत है तो खुल के हमें बताए। मुझे कुरुमेला से शिकायत तो है, क्यूट 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 भाई। फराज बेटा यकीन करो, अगर मुझे पहले से पता होता ना कि तुम्हारी सेंस ऑफ ह्यूमर इतनी अच्छी है तो मैं तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट करने में बिल्कुल देर ना लगाता। आपको इसे अंदाजा हुआ कि डैड के लिए मुस्कुराते रहना और हंसने देना कितना इंपॉर्टेंट है? ये अंदाजा मुझे रुमैला के साथ रहकर हो चुका है, क्योंकि अपने सेंस ऑफ ह्यूमर के बगैर मैं इन खातून के साथ रह ही नहीं सकता। अरे मेरी बेटी अब इतनी बुरी भी नहीं है। थैंक गॉड के ज़हरीन का दोस्त भी इतना कमजोर दिल नहीं है। क्या है, आप सारे मिलकर रुमैला के पीछे क्यों पड़ गए? और साहिर आप भी ना। भाई हम अपने दामाद को ये इत्मीनान देना चाह रहे हैं कि अगर इसको रुमैला से कोई शिकायत है तो खुल के हमें बताए। मुझे रुमैला से शिकायत तो है। डैड के पूछने से पहले तो आपको कोई शिकायत नहीं थी? पहले शायद हिम्मत नहीं थी, लेकिन अब अगर पूछा ही जा रहा है तो बता देता हूं। अगर रुमैला सारा दिन घर से गायब रहती है, तानिया की कोई परवाह नहीं है, उसको बिल्कुल ख्याल नहीं रखती उसका। और कई कई दिन मुझसे बात नहीं करती है। मुझे यकीन है कि रुमैला, फरहाद क्या कह रहा है? अरे आप लोग भी किस बहस में पड़ गए? बख्शा मुझे बात करने दीजिए, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं रुमैला। वो डैड मैं तानिया के साथ। I'm so sorry. असल में तय ये हुआ था कि रुमैला को पूरी तरह डांट पड़ने से पहले मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। क्या कह रहे हैं आप? वो एक्चुअली बात ये है कि मेरी और रुमैला की लाइफ इतनी स्टेल और इतनी काम है कि हम चाहने के बावजूद भी इसमें कोई ड्रामा पैदा नहीं कर सके, इसलिए हमने मिलकर ये प्लान बनाया कि फरहाद प्लीज। मजाक हमेशा अपने बराबर के लोगों के साथ किया जाता है। तुमने तो कहा था कि दामाद बनने के बाद मैं इस घर में बराबर समझा जाता हूँ।
वो मेरा मकसद ये कहने का नहीं था। मैं जानता हूँ तुम्हारा क्या मकसद था। क्या बात है, आप कुछ परेशान दिखाई दे रहे हैं। नहीं वो एक्चुअली बस खबर ही ऐसी है। बाहर की या अंदर की? अखबार की। देखो तुमने जो कहा मैंने वो किया, तुम अभी खुश नहीं, आखिर तुम चाहती क्या हो? सकून। सकून चाहती हूँ मैं तुम। बैठे और मैं आपको सारे घर में तलाश करती। ये भी तो घर का हिस्सा ही है। क्या बात है, आप कुछ परेशान दिखाई दे रहे हैं। नहीं वो एक्चुअली बस खबर ही ऐसी है। बाहर की या अंदर की? अखबार की। बस सुबह सुबह अंदर तरह दम घुट रहा था तो यहाँ चला है। दम घुटता है ना जब खुशियों के दरवाजे आहिस्ता आहिस्ता बंद होने लगे तो दम घुटता है। खैरियत है, आज सुबह सुबह कुछ फलसफा वलसफा नहीं। आज आप भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रही हूँ। एक्चुअली नक्शा मैं तो समझने की कोशिश कर रही हूँ। आपको समझाने की कोशिश करनी चाहिए नक्शा। सब कुछ हाथ से रेत की तरह सरकता नजर आ रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे जैसे जिस कोई मुझसे सब कुछ छीनने की कोशिश कर रहा हो। रोमिला फरहाद। रोमिला तुम कल से मेरी कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रही? तुमसे जो कुछ रिसीव करी है क्या वो काफी नहीं है तैमूर? देखो
तुमने जो कहा मैंने वो किया, तुम अभी खुश नहीं, आखिर तुम चाहती क्या हो? सुकून, सुकून चाहती हूँ मैं तेरे, लेकिन तुम मुझे वो चीज कैसे दे सकते हो जो जो तुम्हारे पास खुद नहीं है? मेरे पास सब कुछ है सिवाय तुम्हारे, पता नहीं क्यों ऐसे लगता है जैसे अब ऐसे ही जीने की आदत डालनी हो। खुद भी आदत डाल लो और मेरी आदतें खराब करने की कोशिश छोड़ दो तैमूर। Just leave me alone, will you? सजा तो दे रही है, कोई वजह ही दे दो। इस बात का नहीं है कि तुम्हें देना नहीं आया। मायूसी तो इस बात की है कि तुम्हें मांगना ही नहीं आया था मुझे। जानते हो हम दोनों में सिर्फ एक फर्क है, मैं तुम्हें अपना दोस्त और तुम मुझे ना समझ समझते। तुम्हारी आंखों में मुझे अपने लिए यकीन नहीं शक दिखाई दे रहा है। फरहाद आओ, बैठो। तुम मुझसे मिलना चाहते थे। अच्छे दोस्तों से कौन नहीं मिलना चाहता, लेकिन ये मुलाकात मैं तुम्हारे लिए करना चाहता था। कल के वाक्य पर और कितने पर्दे डालोगे फरहाद? शौहर और बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं सहरी, लेकिन कल रात को वो सब मैंने वाकई मजाक में ही कहा था। तुम जानते हो हम दोनों में सिर्फ एक फर्क है, मैं तुम्हें अपना दोस्त और तुम मुझे ना समझ समझते। तुम्हारी आंखों में मुझे अपने लिए यकीन नहीं शक दिखाई दे रहा है। हवा की तरह यकीन भी तब दिखाई देता है जब आलूदा। मुझे कोई भी तकलीफ हुई मैं तुम्हारे पास सबसे पहले आऊंगा, इतना यकीन तो है तुम्हें। अच्छा छोड़ो ये बातें, ये तो होती रहेंगी। हॉस्पिटल में मुझे नया कमरा मिला है,
उसकी मुबारकबाद नहीं दोगी? कॉफी पीऊंगी। जी दो कॉफी दें, एक मेरी और एक क्रीम। दिन में एक वक्त ऐसा भी आता है जब साए वजूद से बड़े लगने लगते हैं। वो वक्त सूरज डूबने का होता है रुमैला। सूरज कभी नहीं डूबता साहिर, बस कुछ देर आंख से उछल जरूर हो जाता है। बहराम, आखिर कब तक परेशान रहेंगे आप? जब तक जिंदा हूं। सहरीन फरहाद से और साहिर रुमैला से मिलकर तो आए हैं और उन्हें यकीन है कि सब अच्छा है। अच्छा है अगर उन्हें ये यकीन है तो। मेरी जिंदगी तो एक खुली किताब है साहिर, जिसके हर सफे पे लिखा है साहिर इस्फहानी, साहिर इस्फहानी, साहिर इस्फहानी। इस शहर में मर्दों के साथ जब तक टोन में ना बात की जाए, उनकी आंखें औरतों के चेहरे की तरफ उठती ही नहीं। आप शरीफ साहब के साथ मीटिंग के लिए आए ना अंकल? कहते हैं आंखें रूह तक पहुंचने का रास्ता होती है। भाभी, हर आज आपने मेरी आंखों में नो एंट्री का बोर्ड तो देख ही लिया होगा। से रिश्ता है।